लोक जनशक्ति पार्टी का हिलसा विधानसभा स्तरीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ शुक्रवार को समारोह पूर्वक जलसा कम्युनिटी हॉल में लोजपा नेता डॉक्टर रणजीत सिंह और सुमन कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रणजीत सिंह ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे भारतवर्ष सहित बिहार प्रदेश में चल रहा है। इसी कड़ी में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आदेश अनुसार नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाने की जिम्मेवारी के साथ 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने लोजपा के साथियों से कहा कि माननीय राम विलास पासवान और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता के कारण ही प्रदेश की जनता में काफी विश्वास और उम्मीद भरा हुआ है। खासकर युवाओं में लोजपा के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। सिर्फ पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। प्रखंड से लेकर पंचायत के हर सुदर गांव व देहातों में जाकर जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सदस्यता अभियान को गति देने और लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। कार्यकर्ताओं ने दम भरते हुए कहा, पूरे प्रदेश में हिलसा विधानसभा सदस्यता अभियान में अव्वल रहेगा। आगामी 5 जनवरी को सदस्यता अभियान की गति कार्य की समीक्षा करने के लिए पार्टी के प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी संजय सिंह के साथ साथ प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर करेंगे, जिसकी तैयारी पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में लोजपा के दलित सेना के जिलाध्यक्ष नंदलाल पासवान, सत्येंद्र प्रसाद पुरुषोत्तम पासवान, बैनर्जी पासवान, श्रवण पासवान, पड्रू पासवान, दिनेश ठाकुर, विजय कुमार, अनिल कुमार, दिलीप ठाकुर आदि कार्यकर्ता शामिल थे।